कैसे स्कूल चले बच्चे, वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचते शिक्षक, चंद घंटों के बाद बंद हो जाता है स्कूल, शिक्षक ही कर रहे बच्चों का भविष्य खराब, बिना शिक्षक कैसे होगी पढ़ाई, क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के शिक्षा व्यवस्था की, जो बदहाल नजर आती है और उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वहां मोटी मोटी तनख्वाह पर तैनात शिक्षक ही नजर आते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के हालात ये हैं कि शिक्षक स्कूल आते ही नहीं और जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस तरह के हालात देखकर जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या अब ऐसे पढ़ेगा इंडिया। मासूम बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, स्कूल में नहीं आते शिक्षक, बच्चे स्कूल का लगा रहे चक्कर, स्कूल में लटका हुआ ताला। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षित परिवार सुखी परिवार और एक कदम शिक्षा की ओर, जैसे कई स्लोगन आपने पढ़े और सुने होंगे, लेकिन क्या इनकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है? आज सीएमएन ने एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते राजस्थान के बाड़मेर में शिक्षा व्यवस्था को जाना है। बाड़मेर में खो गई शिक्षा, स्कूलों में गुम हो गया ज्ञान, ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। हैरान मत होइए, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा कोई चीज नहीं जो खो जाए, इसके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से समाज का आज और कल संवरता है। लेकिन बाड़मेर के ग्राम पंचायत नेत्राड के खैराज का तला में शिक्षा व्यवस्था चौपट दिखी और छात्रों का भविष्य अंधकार में नजर आया। कैसे, आप खुद देखिए और समझिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जहां तैनात शिक्षक ही बच्चों के सुनहरे भविष्य से खिलवाड़ करते दिख रहे हैं। यहां शिक्षक समय पर स्कूल नहीं खोलते, इसकी वजह से बच्चे स्कूल के बाहर शिक्षकों का इंतजार करके अपने घर वापस हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक अपनी मनमानी पर इतने उतारू हो चुके हैं कि वो अब चाहे स्कूल की छुट्टी कर देते हैं। स्कूल के हालात ये हैं कि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान की पोल भी सरेआम खुल रही है, स्कूल परिसर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है। वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो शिक्षकों की मनमानी और समय पर स्कूल न खुलने की शिकायत वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो ये कहना चाहते हैं मास्टर है नहीं स्कूल के अंदर। कितने हैं अध्यापक? है दो है, एक बहन जी एक मास्टर। अच्छा, स्कूल कितने दिनों से बंद है? बंद ही रहती है, आते नहीं मास्टर, कभी कभी आते हैं, दो मास्टर 250 बच्चे रोड क्रॉसिंग करके घर वाला भेजते हैं, इधर आते हैं बच्चे बैठते हैं, इधर स्कूल मास्टर नहीं है, वापस चले जाते हैं। तो कहना चाहो गेट खुला रहता है, अंदर गया बैठी बच्चे तो वापस चले जाते हैं, मास्टर स्कूल में होता ही नहीं। मास्टर है नहीं स्कूल में, अध्यापकों की कमी है। मास्टर लगाओ, दो मास्टर है, वो कभी कभी आते हैं और कभी आते हैं कभी आते नहीं। मास्टर है नहीं, स्कूल बंद है, पशुओं का बड़ा है, बड़ा है, पशु बैठे हैं। मास्टर यहाँ दो ही है, दो यहाँ है नहीं, स्कूल बंद है, चार पांच दिन से आते नहीं टाइम से। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया, तमाम नारों और जुमलों के इत्र सरकार को इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि जब पढ़ पाएगा इंडिया तभी तो बढ़ पाएगा इंडिया। ऐसे में व्यवस्था से मजबूर बच्चे पढ़ाई कैसे जारी रख पाएंगे। बाड़मेर से रमेश गोदारा की रिपोर्ट। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।